Nancy Rathore. नर्मदे युवा सेना के लोगों ने बताया कि जब हम लोग मां शिप्रा के दर्शन के लिए घाट पहुंचे तो वहां काफ़ी गंदगी नज़र आई, जिसे देख मन में काफ़ी पीड़ा हुई। जो शिप्रा नदी हम सभी की जीवनदायिनी है, जिसमें पवित्र मां नर्मदा का जल का संगम है, उस नदी में इस प्रकार की गंदगी और जल प्रदूषण का होना कई बीमारियों को आमंत्रण देता है। इस गंदगी को देखकर लगता है कि आने वाले समय में आसपास के रहने वाले लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के संदर्भ में नर्मदे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में संगठन द्वारा सरकार और प्रशासन से सफाई और उसके स्थायी समाधान के लिए निवेदन किया गया है। मैं आज हमारी भारतीय आध्यात्मिकता की प्रतीक शास्त्र और नदी माँ, जैसे कि हम लोगों का संस्कार में हमारे ये स्थापित है कि देश की प्रत्येक नदी माँ के लिए देश का प्रत्येक नागरिक सुसंकल्पित होकर माँ की संरक्षणता के लिए अपने आप को विशिष्टता दे प्रदान करें। आज दर्शन के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर जो घाटों की स्थिति देखी तो मन में बड़ी पीड़ा है। निश्चित रूप से ही हम लोगों का परम दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए देश के हर नागरिक का कि हमारे लिए नर्मदा नदी घाट हुए, शिप्रा नदी घाट हुए, देश की तमाम नदी माँ के घाट को स्वच्छता रखने का कार्य हमारा रहता है, क्योंकि ये भी हमारी माँ है और इनका लालन पोषण की जिम्मेदारी हम उनके बेटों की होती है। लेकिन जो घाट की जब मैंने यहाँ पर स्थिति देखी, मन में बड़ी पीड़ा है। स्थानीय प्रशासन को भी और जो नदी मंत्रालय जिसका अधीन है जो मंत्री है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ की स्वच्छता का मुख्य कार्य आपके हाथ में रहे। लेकिन नर्मदा घाट, शिप्रा नदी घाट पर जिस प्रकार से देख रहा हूँ कि गंदगी जो है घाटों की, बिल्कुल गंदगी है। ये इन्फेक्टेड होगा जितने यहाँ पर सामाजिक लोग हैं। कोरोना ऑलरेडी हम लोगों के पास पूरे देश भर में इतनी चरम स्थिति पर है, उसके साथ साथ में जिस प्रकार से गंदियाँ देख रहा हूँ मैं पूरी शिप्रा घाट पर, ये कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड करेगा पूरे यहाँ के लोगों को, पॉल्यूटेड करेगा। तो इस कम से कम कलेक्टर साहब, SDM साहब, स्थानीय के जो भी विधानसभा यहाँ के जो भी विधायक है या संबंधित जो भी अधिकारी और मंत्रालय में जो भी मंत्री इस नर्मदा घाटी विकास के कार्य देख रहे हो, कम से कम इस बात का निरीक्षण करें।